हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro Plus 5G फोन की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो बॉक्स है, इसका जो फ्रंट लुक है ये आपका रेड कलर का दिया गया है, और जो फोन है आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से है। ये आप देख पा रहे हैं फोन का जो बैक लुक है आपका लेदर फिनिशिंग में दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन के बैक कैमरे की, तो यहाँ पे आपको इस फोन में बैक में डबल कैमरे देखने को मिलते हैं, और जो ये फोन है आपका 200 मेगापिक्सल के साथ आता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की प्राइस की। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं इस बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूं इसके फीचर। दोस्तों, आपके सामने Redmi Note 13 Pro Plus 5G फोन का जो बॉक्स का फ्रंट लुक है कुछ इस तरीके से, और यहां पे आप देख पा रहे हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और नीचे अगर जैसे हम आते तो यहां पे आपको बताया गया 120 हर्ट्ज की 3D कर्व डिस्प्ले है, और यहां पे आपने जो डिस्प्ले यूज किया AMOLED डिस्प्ले लगी हुई है, और इसमें जो हाईलाइट है वो आपका कैमरा 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा रेस कैमरा दिया गया है। और इस साइड में आपकी देख पा रहे हैं मेड इंडिया का फीचर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग की गई है। और जैसे हम इस साइड में आते हैं तो बॉक्स अंदर क्वांटिटी में वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पीछे आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर दिए गए हैं। अभी जो बॉक्स है इसको हम ओपन करते हैं। और इसके अंदर एक मिलता है आपको यहाँ पे केस दिया गया है, कवर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो कवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका कटआउट है कुछ ज्यादा ही यहाँ पे, और उसके साथ आपको मिलती है एक सिम जैक पेन दी गई है, और यहाँ पे बुक्स है, इनका कोई काम नहीं पढ़ने का। अब ये डिवाइस हमारा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिवाइस का जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर दिया गया है। वो डिवाइस को रखते हैं साइड में, और उसके साथ आपको मिलता है 120 वाट का हाइपर चार्जर दिया गया है फोन को चार्ज करने के लिए। इसका वेट काफी ज्यादा है यहाँ पे, अभी मैं आपको इसका वेट करके बताता हूँ। और आपको एक मिलती है इसमें सी टाइप की डाटा केबल दी गई है, देख पा रहे हैं बॉक्स रेड है, उसके साथ डाटा केबल का भी रेड किया गया है। अब जो कवर इसको मैं फोन में डालता हूँ, यहाँ पे कवर की जो क्वालिटी काफी अच्छी है आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो चार्जिंग का जो पॉइंट है सी टाइप का, इसमें यहाँ पे आपको कवर दिया गया है ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉक है। कवर डालने के बाद जो फोन का लुक है कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों जो फोन है, अब मैं इसका करने वाला हूँ यहाँ पे वेट। बात करते हैं फोन की वेट की, तो आपको 198 ग्राम फोन का वेट मिलता है देखने को। और यहाँ पे जो चार्जर का वेट की अगर बात करते हैं, 185 ग्राम चार्जर का यहाँ पे वेट है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फोन का फ्रंट लुक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर की ओर आपको मिलता है एयर ब्लास्टर दिया गया है यहाँ पे। आप एयर ब्लास्टर से इस फोन को रिमोट की तरीके से आप यूज कर सकते हैं, टीवी के चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉइज कैंसलेशन का माइक दिया गया है फ्रंट में, आपको देखने को मिलता है इस फोन में। अभी जो फोन, इसको मैं चार्जिंग पे लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 120 वाट का चार्जर है ये। ये आपका 120 वाट का चार्जिंग पे फोन लग रहा है अभी। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है 120 वाट चार्जिंग। बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे इसमें जो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर की मिलती है। अगर आपका फोन डिस्प्ले की तरफ से गिरेगा तो आपके डिस्प्ले टूटेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले यूज है आपके गोरिल्ला ग्लास विक्टर है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पे इस फोन में जो प्रोसेसर आपका यूज किया गया, आपका मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो आपकी फोन की स्पीड काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और बैक में आपको इसमें ग्लास देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन की बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन पॉलीमर बैक दिया गया, जो आपका ECO लेदर है आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। जो आपका अगर साइड में बात करते हैं इसके फ्रेम की, यहाँ पे आपको एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है, और जो आपका फोन है आपका IP68 के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के फीचर की, तो अगर आपको ऊपर से यहाँ पे स्लाइड करने की जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ इस साइड से करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ से आ जाता है, और देखिए इस टाइप से आपका पैनल शो करता है यहाँ पे। और इस फोन में आपको देखने को मिलती है AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसकी अगर रिफ्रेश रेट की अगर बात करते हैं डिस्प्ले की यहाँ पे, तो आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है,
रिफ्रेश रेट, और उसके साथ बात करते हैं इसके साइज की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले है, जिसके अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर हम बात करते हैं 89.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बात करते हैं इस फोन के रेजुलेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1220x2712 पिक्सल दिए गए हैं, जो आपको 446 ppi डेंसिटी पे डिस्प्ले आती है, और यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है इस फोन में। और जो फोन है इसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, अभी मैं इसमें एक म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और जो डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं इसमें कर्व डिस्प्ले है, तो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले की क्वालिटी, दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में जो आपको बैटरी देखने को मिलती है 5 RAM की बड़ी बैटरी आती है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मिलता है 120 वाट का हाइपर चार्जर दिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं काफी वेट है चार्जर का। और यहाँ पर मैं अगर अपनी वीडियो एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को इस तरीके से मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पे इस फोन में। दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की बैक कैमरे की, तो यहाँ पे इस फोन में जो आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है। और उसके साथ बात करते हैं इस फोन की सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे इस फोन में जो सेल्फी कैमरा आपका 16 MP का दिया गया है, मैं इसके फ्रंट और बैक कैमरे से कुछ पिक्चर आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बैक में जो ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं, यहाँ पे इसका जो मेन कैमरा आपका 200 मेगापिक्सल का दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैश लाइट है, और यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है 200 मेगापिक्सल OIS। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा कैमरा आपको देखने को मिलता है, ये आपका 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। उसके साथ जो इसमें जो तीसरा कैमरा दिया गया है, ये आपका 2 MP का माइक्रो कैमरा है, और ये इसका सेल्फी कैमरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका बैक कैमरा है, ये इसकी पिक्चर क्वालिटी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्ट्रेट से मैंने पिक्चर कैप्चर की है, ये भी आपकी पोर्ट्रेट से है। और यहाँ पे जो जूम पे लॉक लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पे फुल जूम नहीं कर सकते, ये रहा, ये देखिए ये एक पिक्चर है। उसके बाद जब मैंने इसको 10x पे जूम किया है, 10x पे जूम करने के बाद यहाँ पे देखिए चिड़िया बैठी हुई है, जो मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 10x पे जूम पे पिक्चर है आपकी, ये आपकी बिना जूम पे पिक्चर है। और जैसे हम नीचे कराते तो यहां पे आपको देखने को मिलता है सी टाइप चार्जिंग जैक दिया गया है, और उसके पड़ोस में आपको मिलता है माइक होल दिया गया है, और यहां पे आपको मिलता है साउंड, इसमें आपको डबल साउंड दिए गए हैं। अगर साउंड क्वालिटी की हम बात करते हैं, इसमें आपको डॉल्बी साउंड लगा हुआ है, जो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, एक बार म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की वेरिएंट की, तो जो आपका ये फोन है आपका 8 GB की रैम है, इसमें आपको 256 GB का इंटरनल देखने को मिलता है, और जो आपका ये फोन है
ये आपका 31,999 रुपए की रेंज में फोन आता है। आप चाहे तो इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हैं। आप देख पा रहे हो फ्लिपकार्ट पे इसका जो रेट दिखा रहा है 31,999 रुपए की रेंज में फोन आता है। और इस फोन में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलती है, आपका जो फोन है ये आपका IP68 के साथ आता है। IP68 में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है, जैसे आपका फोन है अगर आपका फोन पानी में चला जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान लीजिए मार्केट से घर की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में कहीं पानी गिरने लगता है तो आपको फोन की सुरक्षा करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो फोन है IP68 के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। आपका डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट आता है। दोस्तों बात करते हैं इस फोन की यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको डिस्प्ले में इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं अपना फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फिंगर अपना यूज कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं फेस लॉक भी लगा रहा हूँ अपना। दोस्तों सबसे पहले इस फोन में अपना फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलवेज ऑन ऑफ डिस्प्ले दी गई, जो आपका यहाँ पे बैटरी परसेंटेज बता रहा है, टाइम बता रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करता हूँ। ये देखिए फोन आपका आराम से खुल रहा है, और यहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ एक बार फेस लॉक। ये देखिए फेस लॉक बहुत ही जल्दी काम कर रहा है, आपका फोन देखिए तुरंत ऑन अनलॉक होता है। अभी देखिए फोन आपका लॉक है, जैसे मैं अपनी फेस की तरफ दिखाऊंगा, फेस लॉक भी काफी अच्छा काम करता है इस फोन में। और जो आप देख पा रहे इसके जो कैमरे है, यहाँ पे कैमरे इसके थोड़े से ऊपर की ओर है, तो आपका जो फोन अगर इस टाइप से रखा हुआ है तो थोड़ा सा इस तरह से हिलेगा। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की कलर की, तो यहाँ पे आपको चार कलर देखने को मिलते हैं। इसमें आपका ब्लैक कलर आता है, दूसरा आपका व्हाइट कलर आता है, तीसरा जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने पर्पल कलर है ये, और उसके साथ आपका जो है चौथा ग्रीन कलर आता है। अगर आपको Redmi Note 13 Pro Plus फोन 5G की वीडियो अच्छी लगी है, लुक अच्छा लगा है, प्राइस अच्छा लगा है, डिस्प्ले अच्छी लगी, कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो आपका फोन है IP68 के साथ आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपको Redmi Note 13 Pro Plus फोन की वीडियो अच्छी लगी, बात करते हैं फोन का लुक की, और यहाँ पे आपको 120 वाट का हाइपर चार्जर दिया गया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।